بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله لا تتخذوا إلى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اعزائي الاغرامي اولي دليل अल्लाह ताल के वजूद को समझने के लिए अल्लाह तला के वजूद के इदराक़ के लिए और वजूद परवरदिगार की मारफ़त और शनाख्त के लिए जो बयान की गई और मुहकम और मस्तकम दलील के वो फितरत इंसान है और उस करीम परवरदिगार का एहसान है कि अल्लाह ताली ने उसी फितरत पर तमाम इंसानों को खलक़ किया और उस फितरत में शुरू रख दिया उस फितरत ही में इदराक है वजूद बारा के बारे में और पहचान व शनाख्त फितरतन इंसान को हासिल है और फिर फितरत से बढ़कर और क्या दलील है जब फितरत अपने परवरदिगार के बारे में इदराक रखती है कि अल्लाह ने हमें पैदा किया है है हमारा खालिक वो हमारा परवरदिगार हमें पालने वाला जो हमें पैदा करने वाला है और सारी कायन को खल्क़ करने वाला और अपने लुफ़ व करम से वजूद अता करने वाला है वो हस्ती वो सरचश्मा है तमाम हस्ती के लिए तमाम मौजूदात आलम के लिए और तमाम मौजूदा आलम को वजूद उसी ज़ात से मिला है उसी परवरदिगार से मिला है और ये वजूद का फैज़ तमाम मौजूदात आलम हासिल करती हैं उसी फयाज और करीम ज पर दिगार से लिहा ये फितरत अल्लाह की तरफ हिदायत करने वाली है इंसान को ये फितरत बशर है कि जिसमें इधर के इलाह मौजूद है शूर परवरदिगार आलम के वजूद के बारे में पाया जाता है लिहाजा रहनुमाई है फितरत के अंदर यह फितरत अपने परवरदिगार को शनाख्त करती है पहचानती है और ऐसा नहीं है बाज़ एतराज़ करने वाले मतरजीन की तरफ़ से ये एतराज़ हुआ है कि ये दीन के बारे में गुफ्तु दीन के बारे में तोजहत जो इंसानी माशरों में पाई जाती है इस कसरत के साथ इसकी वजह यह है कि उनके माँ बाप और उनका माशरा और उनका माहौल और वो फिज़ा उस माशरे में जिस सोसाइटी में जो एटमोसफियर है और जो उनका डोमेस्टिक एटमोसफियर है घर घरेलू माहौल और घर में जो फ़िज़ा है और उसके आस पास के जो अतराफ के अफराद हैं जब वो दीन की बातें करते हैं दीन की गुफ्तु करते हैं लिहाजा उसके नतीजे में इंसान दिन की तरफ मुतवज़ होता है दीनी बातों के बारे में तवज्जो करता है और दीनी बातों को जानने की कोशिशें करता है और अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो मफजूल होती है और अल्लाह ताला की शनाख्त के बारे में इंसान माहौल की वजह से या वो जो कुछ उसके वालदे उसे पढ़ा रहे होते हैं उसके बुज़ुर्गान उसे समझा रहे होते हैं जिस तलीमी इदारे में वो है जब तालीम उसको दी जा रही होती है लिहाजा उस तालीम के नतीजे में उस पढ़ाई के नतीजे में जो कुछ उसे पढ़ाया जा रहा है जो कुछ उसे समझाया जा रहा है बताया जा रहा है जो कुछ गुफ्तगु अपने अतराफ़ में सुन रहा है मुसलसल मुशाहिदा कर रहा है इसके नतीजे में इंसान दीन की तरफ तोज्जो रखता है और तवज्जह करता है लिहाजा ये बाज़ एतराज़ करने वालों का एतराज़ और सवाल है जुने उठाया है कि ये फितरत कहना या इस अमर को एक फ़ित्री अम्र शुमार करना तोज् ब तवज्जो बिदीन और दीनी अल्लाह के वजूद की शनाख्त बुनियादी तौर पर और वो मारिफत इब्तदाई वो बुनियादी जो वजूद बशर में है लिहाजा उसको फितरी कहना कि तमाम बशर में ये चीज़ मौजूद होती है फ़रतन इस बात को बाज़ हज़रा ने बाज़ अफरा की तरफ से ये सवाल उठाया गया और एतराज़ किया गया है लिहाज़ा इस एतराज़ का जवाब जो है वो यही है कि फ़ितरत हिदायत करने वाली है बशर को या नहीं माहौल हालात और जो कुछ पढ़ाया जा रहा है तालीम इंसान को अल्लाह की तरफ मुतव करती है तो अज़ीज़ दाने ग्राह आप देखिए कि मुफ़्रीन के, के अकवाल मुफ़रीन की बातों को इसीलिए आपके सामने पेश किया जा रहा है कि वो हकीकत जो आयत कुरानी ने और आयत करीमा ने कुरान की हमारे सामने बयान की है जिस हकीकत को बतलाया है मौजद सामीन उस हकीक़त को हम देखते हैं कि मख़ीन के बयान कसरत के साथ मुफ़्रीन के बयान स्कॉलर्स जो समाजियात के हैं माहरी समाजियात की तरफ़ से और जब हम तारीख़ बशरीत का मताल करें तो हमें खुद ये बात समझ में आती है कि ये एतराज़ ये कोई मुनासिब एतराज़ नहीं है ये कोई दकीक़ एतराज़ नहीं है बस यूँ ही अंदाज़न एक शक है कि ये फितरी अमर है भी या नहीं सिर्फ इस शक की बुनियाद पर यह एतराज़ जो है वो पेश कर दिया गया है तो आजीज़ान ग्रामी में फिर आज आपके सामने एक और मुफक् हैं, उनकी बात को भी आपके सामने पेश करूं और इस एतराज़ के जवाब को भी हम साथ साथ बयान करके आज के इस प्रोग्राम में वाज करेंगे कि ये एतराज़ जो पेश किया जाता है ये शुभा इसे शुभा ही कह लीजिए कि ये शुभह जो जहन में पैदा हुआ है और इस शुभे को जो पेश किया जाता है इसका जवाब वाज है हमारे सामने पहले मैं एक और मुफक् की गुफ्तु आपके सामने पेश करता हूँ वो मुफक् हैं वेल वेल डोवरेंट और ये वेल डोवरेंट एक मर्रख है एक मुफक्र है और ये और मवर्रखक् मुफ, देखिए अपनी तहक़ीक़ और रिसर्च के नतीजे में वो एक बात ये कहता है कि ये एतक़ाद जो दीन के सिलसिले में है ये एतक़ाद और ये तसरात और ये इदराक और शऊर जो वजूद इंसानी में पाया जाता है दीन के नस्बत और अल्लाह ताला के बारे में ये एतक़ाद कदीम से है और कदीम ज़माने से है हमेशा से है और वो कदीम ज़माने से ये एहसास कभी भी इंसानों से जुदा नहीं हुआ है ये खसूसियत दीन, दीन के बारे में तवज्जो दीन के बारे में रुझान अल्लाह का राक और शूर इंसान में अल्लाह के वजूद के बारे में ये वो चीज़ है कि तमुल बशर तमाम बशरियत को जो है वो अपने दायरे में लेने वाला ये कुल्ली बात है अमूमी बात है और ऐसी अमूमी दायरा है कि जिस दायरे में सारे इंसान दाखिल हो जाते हैं सारे इंसान इसी दायरे में हैं और फिर गोया वो कहता है कि यह कदीम से है, हमेशा से है और यह एहतिकाद जो है ये एक ऐसी हकीक़त है हक़ तारीखिया में से अपनी तहक़ीक़ को वो लिखता है कि अपने उसकी राय में उसकी नज़र में गोया ये एक ऐसी हकीकत है तारीख़ की और तारीख़ी हक़ में से एक ऐसी हकीकत कि जिसको इनकार नहीं किया जा सकता वाज़ेह व रोशन हकीक़त है और फिर यही शुभा जो पेश हुआ कि देखिए चूँकि ये देखिए फ़रत बशर है फ़रत बशर है लिहाजा सब के सब इंसानों के अंदर पाई जाती है फिर वो लिखता है और कहता है कि अफ्रीका के, के बाद दूर दराज इलाक़ों में हम देखते हैं या दुनिया के गोशा वनार में बाज मकाम पर जहाँ बिल्कुल दीन के बारे में तोजह मौजूद नहीं है वो बहुत साज नादिर मकाम हैं मवारद हैं बहुत ही कम ऐसी मिसालें मिलेंगी बहुत ऐसी कम जगहें बहुत ही कम तादाद में दुनिया के बाद गोशा किनार में कहीं बहुत ढूंढने और तलाश करने से ऐसे मकामात मिलेंगे जहाँ दीन की तरफ तवज्जो न हो दीन के बारे में रगबत न हो कि देखा तो जाए दीन कहता क्या है ये दीन पैगाम क्या देता है और अल्लाह के बारे में शूर और इदराक एक बुनियादी तौर पर इब्तदाई तौर पर वो शुरू जो अल्लाह के वजूद के बारे में इदराक है वो सब इंसानों के अंदर है अगर नहीं और इंसान बिल्कुल गाफिल है इस तरह गाफिल है कि जर्रा बराबर दीन की तरफ रगबत है ही नहीं तवज्जो ही नहीं और अल्लाह के शूर से बिल्कुल गाफिल है एक इंसान बाज़ इंसान दुनिया के किसी एक कोने में वो कहता है ये हैरत अंगेज़ है ये ताजो बावर है ये इतने सारे दुनिया के तमाम इंसानों के अंदर इस हकीकत का पाया जाना और ये वाजह व रोशन हकीकत होना ये दीन की तरफ़ तोज्जो दीन शनासी खुदा शनासी का जज्बा और अल्लाह का इदराक अल्लाह के वजूद के बारे में शूर और फहम जो इंसान के अंदर पाया जाता है तमाम इंसानों में फ़कत फ़कत बागह पर बाज़ इंसान जो हैं बहुत कलील तादाद में वो एक्सेप्शन हैं तो एक्सेप्शन है क्या उनकी फितरत नहीं है वो कहता है कि ये हैरत अंगेज़ है ये ताज्जुब है लिहाजा ताज्जुब ये नहीं है कि इंसानों की अक्सरियत और तो तकरीबन तमाम के तमाम इंसान हमेशा से कदीम ज़माने से हर दौर हर ज़माने, हर माशरे में तमाम इंसान जो हैं वो दीन की तरफ तोज्जो रखते हैं और दीन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो ये शूर और ये जज्बा ये एहसास दिन के बारे में और अल्लाह के बारे में इदराक़ अल्लाह के वजूद का शूर जो इंसान में पाया जाता है इंसान के अंदर मिलता है तमाम इंसानों में तो ये माहौल की वजह से नहीं है बल्कि उसकी गुफ्तु का नतीजा ये निकला कि वो माहौल जहाँ गिने चुने चंद अफराद किसी कोने में दुनिया के अगर तवज्जो नहीं करते हैं या मुल्दीन हैं या बिल्कुल गफलत में है जर्र बराबर दीन का कोई ज़र्रा भी उनके वजूद में उनके माशरे में एक जगह एक मखसूस जगह चंद अफ़राद में नहीं मिलता यह हैरत अंगेज बात है अगर हकीकत देखी जाए तमाम इंसानों को दिन की तरफ मुतवज होना चाहिए फितरत है लेकिन यह नहीं है उस पर वो मुफक्र और हैरत का इजहार करता है जी कि ये नादरतलवकू कहता यह बहुत नुदरत के साथ बहुत ही शाज और नादिर यानि बहुत ही कम इतफाक़ ऐसा हुआ है तारीख़ बशरीत में और शायद जिस ज़माने में जिस दौर में जिस जगह ऐसी चीज़ देखी जाए ये बहुत कम है बहुत ही कलील है जो ऐसा इतफाक़ देखने में आए इंसानी माशरे में कि जहाँ पर बाज़ इंसान उस माशरे में उस जगह पर बिल्कुल दीन की तरफ मुतवज़ नहीं है एक ज़र्रा भी दी की तवज़ो उनमें नहीं पाई जाती बहुत ही हैरत अंगेज़ है लिहाजा तारीख़ बशर में हमेशा से आज तक तमाम इंसानी माशरों में दीन की तरफ तो अब वो तो की सतह कितनी है लेवल कितना है अब ये इसमें बहस नहीं है कहीं कम और ज़्यादा होना वो गफलतों की वजह से है वो दुनिया में इंसान की तोज्जो मशगूल हो जाने की वजह से है माशरे की वजह से है माहौल की वजह से है लिहाज़ा माशर माहौल की वजह से दीन की तरफ तोज्जो नहीं है जवाब उस एतराज़ का कि तमाम इंसानों में ये तो पाई जाती है बस ये फितरत है और तमाम इंसान तकरीबन दुनिया के हमेशा से आज तक ऐसा रहा है जब तो पता चलता है कि ये वो चीज़ है कि तमाम इंसान इसी खसलत और खसूसियत के ऊपर हैं इस तवज्जो पर दिन की तरफ अल्लाह की तरफ तोज्जो लिहाजा ये फितरी चीज़ है इंसानों में हाँ चने एक इंसान अगर नहीं मिलते तो वो हैरत अंगेज़ है कि वो फितरत जो है उनकी दबाव में है गफलत में है माहौल की वजह से फिजा की वजह से बस माहौल और तालीम और फिजा और एटमोसफियर ये इंसान को दीन की तरफ तोज्जो नहीं देता बल्कि तमाम इंसानों के अंदर ये तोज्जो होती है हाँ माहौल की वजह से गाफिल ज़रूर हो जाता है दिन की तरफ तोज्जो नहीं करता अल्लाह की तरफ मुतव नहीं होता गफलत में मुबला हो जाता है जी इस मादी दुनिया में गर्क हो जाता है फ़िक्रें कहीं और मशगूल हो जाती इस तरह कि बिल्कुल तोज्जो ख़त्म हो जाए इंसानों में बाज़ इंसानों में जर्र बराबर तवज्जो न रहे ये बहुत कम बहुत कलील और शाज और नादिर है नुदरत के साथ बहुत ही कम इतफाक़ ऐसा होता है लिहाजा इस मर्रख और मुफक्र के बयान के साथ जिसने एक हकीकत को बयान किया है और बतलाया है कि तमाम इंसानों में ये शूर होता है लिहाजा आप देखिए कि यह एतराज़ जो शुभा है एक तरह का शक बिलाजा इंसान के नफ्स में पैदा होता है एक हकीकत पर गुबार पर डालने वाला ये शुभ लेकिन हकीकत अया है हकीकत अजहरों में नशम्स है सूरज से ज़्यादा रोशन और वाज है कि फितरी चीज़ है और तमाम इंसानों में हमेशा से और कदीम ज़माने से ये है और अब तक है और अगर नहीं बाज़ इंसानों में अगर दुनिया के किसी कोने में और तारीख़ में अगर कहीं मिलता है कि कोई गोशा ऐसा था किसी ज़माने में तो अजीज़ा ने ग्रामी ये बहुत शाज व नादिर और बहुत ही कम और कलील इतफाक़ है जो ऐसा हुआ है लिहाज़ा वो फिजा और माहौल की वजह से ऐसा हुआ है कि इंसान गफलत में मुबतला हो गए और अगर फिजा न हो माहौल ऐसी गफलत का ना हो दबाव ना हो तो ये तवज्जो बेदीन दीन की तरफ तवज्जो अल्लाह ताला की तरफ तोज्जो और इदराक अल्लाह ताला के वजूद का ये तमाम इंसानों के अंदर एक ऐसी हकीकत है ऐसी रासिख हकीकत कि जिसका इनकार करना जो है वो महज़ एक शुभा है उसके अलावा कुछ नहीं लिहाजा ये फितरत जो दलील है ये हिदायत करती है और इंसान को रहनमाई करती है अल्लाह की तरफ तवज्जो दिलाने में और ये शूर इस इंसान के अंदर मौजूद है लिहाजा ये फितरत हिदायत करने वाली है फितरत इंसान को अल्लाह का तारुफ कराती है अल्लाह की तरफ उसकी तवज्जो को मबज़ूल कराती है उस फितरत में इदराक और शूर वजूद बारी तला मौजूद है लिहाजा ये शुभा इसकी कोई हैसियत नहीं ये एतराज़ इसकी कोई अहमियत नहीं महज एक शक को शुभा है और आज हमने इस दलील को इस शक और शुबे को पेश कर कर और उसका जवाब देकर मुख्तल मुफ़्रीन और मर्रखीन मुवर्, और कुरानी आयात जो बेहतरीन तरीके से इस इन हक़ाक़ के बारे में रहनुमाई करती है बाज़ रवायतें मासूमी आलमत वसलाम से आप मज़्स्साम की ख़िदमत में मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में पेश की गई जिससे वाज हो गया कि ये फ़ितरत एक बेहतरीन दलील है और बेहतरीन वो तरीक़ा है कि जिस तरीके से इंसान अल्लाह ताली के वजूद को पहचानता और उसकी शनाख्त रखता है इंसान व सल्लाहमद वाहल बैतः तोाहरीन اغفر لنا ذنوبنا